यार लोगों के जहन में आता है कि यार जो लोग परिंदा पाल ले ना, अभी मुझे किसी की कॉल है मेरे रिश्तेदार की ना, मैं नाम नहीं बता रहा वरना वो अगर देख लेगा तो माइंड कर लेगा। उनकी मुझे कॉल आई, और आंटी नहीं मतलब ना, तो उनकी कॉल आई, वो मुझे कह रही है बेटा हमारे यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलियन तोता रखा हुआ है, वो आप अभी आके ले जाओ। तो मैंने कहा आंटी आप उसको रख लें, तो मैं उसको ले जाऊँगा इतवार को या पीर को, जब भी मेरी छुट्टी होगी मैं ले जाऊँगा, ईद आ रही है। कह रहे नहीं बेटा मेरे पास कंगनी के पैसे नहीं है अभी, मतलब मैं कंगनी लेने जाऊंगी फिर, अगर इसको अभी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो मैं इसको उड़ा दूंगी, नहीं तो मैं इसको उड़ा लेंगे। उड़ा दूंगी। मैंने कहा भाई आप कंगनी के पैसे मुझसे ले लेना, आप इसको उड़ाए नहीं। कह रहे नहीं नहीं मैं इसको आजाद कर दूंगी, मुझे सवाब भी मिलेगा, और मैं तुम्हें देती तो खैर सवाब भी नहीं मिलेगा, और मैं इसको उड़ा रही हूँ, और कॉल काट दी। अबे भाई उन्होंने कॉल काटी है, मैं उनको कॉल मिला रहा हूँ वो कॉल ही नहीं उठा रही। तो मेरे जहन में आया यार कि अगर इन्होंने उड़ा दिया, अच्छा आप बताओ अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोते को उड़ा दिया तो क्या होगा आप बताओ? मर जाएगा वो, नहीं क्या होगा यार, बिल्ली यदि खा सकती है तोता उसको, उड़ेगा थक पहले, जाएगा, थक सबसे पहले तो जाएगा। वो पिंजरे से निकलेगा, पहले सही है, ये बताओ वो हाई फ्लाई करेगा क्या? नहीं कर सकता करेगा वो बस वो यहाँ से यहाँ थोड़ी दीवार पे बहुत बैठेगा, छत फुलकारियां मारेगा और पे बिल्ली पकड़ बैठेगा? लेगी। ऐसे छत पे बैठा सबसे पहले कौन आएगा? बिल्ली, बिल्ली कौवा कुछ भी आ बिल्ली सकता है। आएगी या कौवा आएगा, हाँ या ऐसे ही, अगर उड़ गया तो फिर कौन आएगा? आपने वो देखा लालू खेत में तोता उड़ता है, हाँ चील आ जाती है, फौरन क्या होता है? चील पकड़ लेती है दो मिनट उसको। लगते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट। मैंने तो लालू खेत के अंदर ये सीन लाइव देखे, बहुत देखे हैं यार। हाँ मैंने तोता देखा, उड़ा, या तो वो दरख में बैठता है, अच्छा दरख में बैठा तो कौवे आ जाते हैं, ठीक सही है, है सही है। कौवे आगे उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। और अगर दरख में से, या तो वो भी वो क्या दरख में, क्या दरख में बैठा तो वो कुछ और भी आ जाता है, ये क्या है? फंदा फंदा अच्छा, क्या समझ गया, वो जो उधर उतारने के भाई? लिए। लालू खेत हम जाते हैं ना, तो मैं आपको सीन बताता हूँ क्या होता है। जैसे तोता उड़ा ना, तो तोता उड़ के या तो किसी की बालकनी में बैठेगा, या दरख्त पे बैठेगा, या तार पे बैठ जाएगा ना, तार भी तो हमारे कराची तो में वो था। लड़के अब लेके आ जाते हैं वो भागते हुए। अच्छा हाँ कुछ लड़के तो भागते हैं ऐसे निहत्ते हाथ ना, वो कुछ तो डंडा लेके आ गए नहीं कुछ होंगे। तो निहत्ते हाथ भागते हैं। अब वो निहत्ते हाथ मारते हैं हाथ, तो तोता कभी भी फिशर हो या बजरी हो, आप ऐसे हाथ मार दो मुश्किल है कि वो बहुत आपके मुश्किल है, हाथ तो है। आपके कमरे में उस दिन हो गया था, हाथ में हमारे ही आ घोड़े रहा खुल था, गए थे हाथ है में ही आ रहा था ना, वो। घोड़े खुल गए थे हाँ हमारे, ऐसे ही, ऐसे ही। हाथ नहीं आ रहा था। वो तो फिर आपने वो जाल निकाला, और वो आप भी लालू केस में वो जो लड़की होते हैं वैसे बन गए, जाल लेके घूमने लगे, यूं 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 करने, फिर उनके जाल था इनके पास, वरना ये हाथ। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके तोते उड़ा दूंगा मैं अभी, और आप हाथ से पकड़ के दिखा दो आपके रूम में, मैं उड़ा दे सही, दिखा। सिर्फ ये तो रूम है, 4 दीवारी, ये जो रूम है ये 4 दीवारी है, तो आप नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे सोचो जो तोता ऐसे उड़ रहा है हवा में, ओपन गली में उड़ रहा है, उसको हाथ से पकड़ लोगे आप? नहीं, बड़ा नहीं मुश्किल पकड़ है। सकते। तो लोग भागते हैं बहरहाल लालू खेत में, बेवकूफी करते हैं, नहीं पकड़ सकते आप। अच्छा मैं आपको बता दूं कौन पकड़ लेता है, कौन पकड़ लेता है लालू खेत में? गाइस होता क्या है कि कुछ बांगड़ी होते हैं, बांगड़ी बांगड़ी कहते हैं, बांगड़ू कहते हैं, ऐसे ही है, काले काले से वो होते हैं, वो कच्चे के कच्चे इलाके के लग रहे हो तुम। ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, मैं खुद भी काला हूँ रंग नहीं, में, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कच्चे के इलाके। हाँ हाँ मैंने बोला था, तो मैं अपने गुनाहों की तौबा कर रहा हूँ, कच्चे अल्लाह के मुझे माफ इलाके। कर दे, मेरा रंग बुरा हो जाए तो या अल्लाह। अच्छा अब वो जो कच्चे के इलाके के आप बोल रहे हो लोग होते हैं, वो क्या हाँ करते हैं? एक बांस होता है ना बारीक वाला बांस, जिसको हम लोग झंडे के झंडे का डंडा नहीं होता, जो 14 अगस्त का, बाय द वे मैंने सूट भी पहना हुआ, तो मैंने ये सूट वैसे गाइज इसलिए लिया था कि ग्रीन सूट लेने का मकसद ये था कि ये 14 अगस्त पे भी चलेगा, ये ईद मिलाद उन नबी पे भी चलेगा, ठीक है ना, मदनी फुल सही सही, मदनी माहौल हो जाएगा, तो इस वजह से ले लिया था। बहरहाल तो वो लेते हैं डंडा, और उस आप डंडा लेके क्या करते हैं वो? वो टहनी पे मारते हैं नहीं फिर। ये भी आप इसका मतलब लालू खेत में आप ज्यादा गए नहीं हो, नहीं मैंने देखा नहीं ये करते हुए। आपने देखा नहीं है। डंडा मारेंगे तो तोता तो उड़ जाएगा। सही है, डंडे के ऊपर ना एक वाइट ट्रांसपेरेंट मछली की डोरी होती है, अच्छा जी मछली की डोरी होती है। अच्छा आपने देखो कि मछली की डोरी ना खड़ी खड़ी सी होती है, वो क्या हाँ करते हैं वो उस मछली की डोरी को फ्रंट पे बांधता है, ऐसे खड़ा करता है, और उसके आगे ना ऐसे फंदा बना, आपने वो देखा काउ बॉयस ऐसे रस्सी बनाते हैं हाँ और ऐसे फेंकते और हैं जब वो फंदा, और खींचते खींचते हैं तो वो खींच हैं तो वो उसके गले टाइट हो में फंस जाती है, जाता है। टाइट हो जाती है वो। बिल्कुल वही वाला फंदा ना वो अपने लकड़ी में आगे बांधता है,
और वो ट्रांसपेरेंट होती है, मछली की डोरी ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ। अच्छा, डंडे के ऊपर उसको बांधते हैं, यानी कि जैसे एक फिट बांध दिया। सही है। अब वो ट्रांसपेरेंट डोरी है और उसमें फंदा है, ठीक है, और ऐसे डंडे को ना ऐसे ऊपर लेके जाते हैं। अब तोता बैठा होता है, तोते का ये मुंह है, अब ये डोरी है, ये डोरी है, सपोज करो ये डोरी है और मैं तोता हूँ, तो वो तोते के यूं लाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब तोते को ट्रांसपेरेंट डोरी ऐसा लगता है यार कुछ आ तो रहा है, लेकिन वो यूं यूं करेगा, यूं यूं करेगा, वो आहिस्ता 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 उसके मुंह में ले जाएंगे, जैसे ही आएगा ना खींचेंगे एकदम। सही, जैसे खींचेंगे वो टाइट हो जाएगा, टाइट हो गया तोता फड़फड़ाएगा, लेकिन उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, वो उसके गले में फंसा होगा, वो ऐसे जमीन पे लाएंगे, उसको पकड़ेंगे। फंदा तो आपको पता है काऊबॉय की जो रस्सी होती है उसका फंदा ऐसा होता है कि वो वापस खोलो ना टाइट होता है, नहीं टाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे अपन टाई लगाते हैं टाइट कर लेते हैं, फिर वापस ऐसे ढीली करो तो खुलती खुल जाती है, वो फंदा भी ऐसी होता है, तो वो पकड़ने के बाद ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और वापस ढीली करते हैं तो खुल जाता है। अच्छा, खुल गया तो उसकी गर्दन से निकला तोता हाथ में, तो वो ये चक्कर होता है जो वो तोता पकड़ता है ना बांगड़ी। अच्छा, मैं यही सोच रहा था डंडे से कैसे पकड़े, डंडे से मारते थोड़ी है वो। अच्छा, मारेंगे तो, अच्छा अगर मार भी दे लेट सपोज, तो तोता या तो गिरेगा, गिरेगा तो जिसने मारा उसके हाथ ही नहीं आएगा। सही बात है, किसके हाथ आएगा, किसी और के हाथ, जैसे मैंने डंडा मारा तो वो वहां गिरेगा, वहां जो खड़ा हुआ वो पकड़ लेगा। अबे किसी का, किसी का एल्बिनो उड़ गया था पिछले इतवार को, वो यही तो बांगड़ू, बांगड़ू भाई, बांगड़ू हर इतवार को डंडा लेके घूम रहा होता, उसकी रोजी रोटी है ये। ओ भाई साहब, वो हर इतवार को यूं करके बैठा रहता है कि अल्लाह रोजी दे दे, और अल्लाह देखो अल्लाह ताला किसी को भूखा तो मारता नहीं है। सही बात है। तोता लाजमी उड़ता है, जैसे ही तोता उड़ता है वो आवाज सुनता है, वो भागता है और उसके हाथ में फिंच, तोता, पैरेट, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ उसके हाथ में आता है, वो उसकी रोजी रोटी हो जाती है। सही बात। और एक तोता तो उड़ता नहीं है, आपको पता मार्केट में 10,000 तोता उड़ता है। उस तरह से बहरहाल टॉपिक टॉपिक ये था कि वो फिर मेरी जो हमारे रिश्तेदार थी वो उन्होंने धमकी दी कि मैं उड़ा रही हूँ, वो भाई मैं फिर भागा भागा बाइक पे गया, मैंने उनसे वो तोता लिया, मैंने कहा आपको पता है आप मेरी बात ही नहीं सुन ली थी, कह रहे नहीं वो तुम तो ले नहीं देते, मैं क्या कंगनी लाऊंगी, 200 रुपये किलो कंगनी है और इससे ये मेरे पास एक ही तो है बजरी, आप वो बजा खुद ही 200 रुपये का है। सही। फिर मैं उनसे गया, मैंने कहा भाई आप उड़ाए नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं उड़ाओ, ये तो अच्छी बात है आज़ाद हो जाएगा। हाँ, और वो समझ रही थी ये चिड़िया कब्बू की तरह आजाद घूमेगा। मैंने कहा भाई आप इसको अभी छोड़ेंगे ना, ये मौत है इसकी। हाँ, सही। तेरी मौत है क्या मतलब, मैंने कहा भाई जब ये यहाँ से उड़ेगा ना छूटते इस पे तो कब्बू खा जाएगा, चील खा जाएगी या बिल्ली खा जाएगी, ठीक है ना, तो ये जिंदा तो रहेगा ही, आप तो इसके साथ जुल्म कर रहे हो, आप इसको समझ रहे हो कि मैं, आप लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि हम परिंदे को आज़ाद कर रहे हैं, देखे परिंदा आज़ाद जो जो कुदरती तौर पे नेचर के अंदर पैदा हुआ और पला बड़ा, जैसे एक जंगल में बजरी तोता जंगल में अंडा निकला, अंडे से बच्चा निकला और जंगल में ही पला बड़ा ना, वो तोता आज़ाद है, वो आज़ाद घूम सकता है जंगल में, लेकिन आप शहर में एक तोते को पिंजरे से निकाल के आज़ाद करोगे वो मर जाएगा। सही बात। तो कौवा चील खा जाएगा, वो आप को लगेगा कि आपने को सवाब का काम किया, लेकिन आपको सवाब का काम बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसे ही वो उल्टा गुनाह का काम है, वो मर जाएगा। आप देखें ये जान ले, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने कोई भी बंदा ना, कोई भी माँ बाप अपने छोटे बेटे को गेट से बाहर निकाल के कुंडी लगा दें, ये बोले आजादी हो आजाद होता, ये इस तरह की बात है, आप कुंडी लगा दें और फिर बाहर के जो लोग हैं वो उस बेचारे का तमाशा ही कर दें और वो बेचारा दैनीय हालत खो बैठे अपनी, तो परिंदा तो समझे बिल्ली खा जाती है, बच्चे को तो बिल्ली नहीं खाएगी ना यार। आपको पता है को फिंचेस के ऊपर ये दौर आया था कि ब्लैक चिक जो थी ना, ब्लैक चिक के अंदर ये दौर आया था कि लोगों ने ना इसको आजाद करना शुरू कर दिया था, रेट गिर गए थे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, उन्होंने ब्लैक चिक आजाद करी, चील कौवों के मजा आ खा गए लोग, खा गई वो, तो उनको लगा कि उन्होंने बड़ा सवाब का काम करा, चिड़िया आजाद कर दी। अबे भाई ये वो चिड़िया है ही नहीं जो आप समझ रहे हो, उसको बाहर रहने के तरीके ही नहीं पता, पता ही नहीं है वो तो पिंजरे में पैदा हुई है, वो पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, वो तो पिंजरे में पैदा हुई है, चील आई ग्रुप और वो पिंजरे में पैदा हुई है, उसको तो उस बिचारी ने 12 खान वाले में हो सकता है पैदा हुई, फिर उसको तो जुल्म कर रहे हो आप। सही बात। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी एल्बिनो रेड आई एल्बिनो ब्लैक आई चाहिए हो तो आप मुझसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, अगर आपका इरादा है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।